आंटी क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं बेटा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी। मुझे देखकर तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ। जी कुछ कुछ अंदाजा तो है, कहें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा मैं चाहती हूँ कि शावेज का ये केस अब तुम हैंडल करो। तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो और उसके कोलीग भी हो। आई थिंक यू कैन हैंडल दिस रियली वेल। आंटी वो तो सब ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। तुम भी डर गए? कह सकती हैं आप, शाहवेज नहीं डरा था, जिसकी वजह से उसके करियर पे इतना बड़ा दाग लग गया। सच की राह बहुत दुश्वार होती है फहद, और कभी कभी इस आजमाइश से खुद भी गुजरना पड़ता है, और जिससे मेरा शावेज इस वक्त गुजर रहा है। मुझे इस बात पर बिल्कुल नदामत नहीं है, बल्कि मुझे फखर है अपने शावेज पर। उसके करियर पे जो भी धब्बा लगा है, जिस दिन वो इस केस से बाइज़्ज़त बरी होगा और जिस दिन वो ये केस जीतेगा, उस दिन वो सबके सामने सुरखरू होगा, और फिर तुम सब उसकी हिम्मत की दांत दोगे। आंटी ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शावेज इतनी जल्दी बाहर आ सके, और वैसे भी एक अजनबी लड़की के लिए इजलाल से दुश्मनी मोल लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मेरा बेटा बुजदिल नहीं है, इसीलिए इजलाल से भिड़ गया, और ये बहादुरी मुझे किसी और में नजर नहीं आती। खुदाफिज़।